उसी सेकेंड एग्जांपल देखिए, अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे, इसे भी हम सॉल्व करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, यहाँ पे लगाएंगे सम रूल। सम रूल क्या कहता है इंटीग्रेशन में, कि अगर आपके पास एक से ज़्यादा क्वांटिटीज आ जाती हैं उसको अलग अलग से इंटीग्रेट करो, यू डी एक्स अलग से प्लस वी डी एक्स को अलग से इंटीग्रेट कर लो, ठीक है। और अगर माइनस में आ जाए तो घबराने की कोई बात नहीं, सिर्फ माइनस का साइन लगा लेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ यू डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स, ठीक है। चलिए इस एग्जांपल को देखिए, इस एग्जांपल को कैसे सॉल्व करना है, पहले आप ब्रैकेट को ओपन कीजिए, डी एक्स को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यह आ जाएगा माइनस सिक्स एक्स क्यूब डी एक्स, ये प्लस माइनस से डरना नहीं है, सिर्फ साथ में लगाइए, कुछ चेंज नहीं होगा। नाइन एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ प्लस का निशान है ना, इसलिए मैंने प्लस लगाया, नाइन एक्स स्क्वायर इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर माइनस आ गया तो माइनस का निशान लगाइए, इंटीग्रेशन ऑफ थ्री इंटू डी एक्स, ठीक है। अब तीनों को अलग अलग करते हैं, देखिए माइनस का निशान मैं इंटीग्रेशन से बाहर ले लेता हूँ, ठीक है। और सिक्स है, ये कॉन्स्टेंट नंबर है, अगेन कॉन्स्टेंट नंबर कौन सा होता है, कोई भी ऐसी क्वान्टिटी जो चेंज नहीं होती है, तो सिक्स को बाहर ले आते हैं, अंदर बचेगा सिर्फ एक्स क्यूब डी एक्स, ठीक है। आप एग्जाम्पल देखते चाहिए, बाकी आप फर्दर खुद सॉल्व करेंगे, प्लस आ जाएगा नाइन एक्स स्क्वायर डी एक्स, माइनस यहाँ से प्लस का निशान बाहर आ गया था और नाइन बाहर आ गया था, यहाँ से माइनस और थ्री बाहर आ जाएगा, डी एक्स इक्वल्स टू माइनस सिक्स को यही रहने देते हैं। एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, ये वाला इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर एन डी एक्स वाला, जो कहता है एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, ठीक। तो एक्स की पावर थ्री प्लस वन अपॉन थ्री प्लस वन, प्लस का निशान नाइन, यहाँ पे भी एक्स की पावर एन वाला फॉर्मूला, एक्स की पावर टू प्लस वन अपॉन टू प्लस वन, माइनस थ्री को बाहर रहने दीजिए, खाली डी एक्स की इंटीग्रेशन किसके बराबर होती है, एक्स के, तो माइनस यहाँ पे डी एक्स इसकी जगह एक्स आ जाएगा, ठीक है। प्लस साथ में हम सी जोड़ देते हैं, हमें पता नहीं है सी क्या है कॉन्स्टेंट, पहले लगा देते हैं, तो यहाँ पर देखिए माइनस सिक्स ये आ जाएगा एक्स की पावर फोर अपॉन फोर, है ना, थ्री प्लस वन फोर, थ्री वन प्लस फोर, यहाँ पे आ जाएगा नाइन एक्स की पावर क्यूब अपॉन थ्री माइनस थ्री, ठीक है। सॉरी यहाँ पे पहले डी एक्स रहने देता हूँ, तो डी एक्स कितना आ जाएगा, इंटीग्रेशन डी एक्स का आ जाएगा एक्स, प्लस आ जाएगा सी, यहाँ पे आ जाएगा माइनस सिक्स, देखिए यहाँ पे टू टू ज़ा फोर, टू थ्री ज़ा सिक्स, तो हम इसे लिख लेते हैं माइनस थ्री अपॉन टू एक्स की पावर फोर, थ्री वन ज़ा थ्री, थ्री थ्री ज़ा नाइन, तो यहाँ पे आ जाएगा थ्री एक्स क्यूब और माइनस आ जाएगा थ्री एक्स, प्लस आ जाएगा सी, ठीक है। तो यहाँ पे थ्री देखिए तीनों में आ रहा है, अगर चाहें तो आप कॉमन भी ले सकते हैं, नहीं लेना है तो ये आपका आ जाएगा आंसर।